बीपीएससी का फॉर्म आ चुका है, BPSC 73, ये आप देख सकते हो, बिहार BPSC 73 प्री एग्जाम रिक्रूटमेंट 2024 प्री अप्लाई ऑनलाइन। और कितने सारे पोस्ट के लिए आया है, 1957, इससे पहले इतना पोस्ट नहीं आया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और इसका डेट हम लोग देखेंगे, अभी तुरंत ही विंडोज खुला है इसका, 28 सितंबर 2024 10:31 में इसका विंडोज खुला है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स में बताता चलूंगा क्या पोस्ट है, किस चीज़ के लिए आया है, तो धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे, वैसे वैसे ये खुलता चला जाएगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि हैज रिलीज द नोटिफिकेशन, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1957 पोस्ट 70th कंबाइंड कंपटीशन कंपटेटिव एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन 2024, दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग वैकेंसी कैन अप्लाई फ्रॉम 28 तारीख से 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो भी आपको डिटेल्स देखना है, इन्फॉर्मेशन देखना है, एज लिमिट देखना है, सिलेबस देखना है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा आपका, तो मैं धीरे धीरे तो और नीचे जाऊंगा तो बताते चले जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ छूट जाए तो इसके आप वेबसाइट पर भी आ करके बहुत पता कर सकते। अभी डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में क्या है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC 70 कंबाइंड प्री एग्जाम CDPO रिक्रूटमेंट 2024 है ना, BPSC 70 एग्जाम शॉर्ट डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे पहले कि इम्पोर्टेंट डेट जो है ये एप्लीकेशन बिगिन 28 यानी कि आज से शुरू हो रहा है और 18 तारीख तक अक्टूबर तक चलेगा, और 18 तक आपको लास्ट डेट बताया गया है एग्जाम का फी जमा करने का, और एग्जाम डेट कब है वो भी मेंशन किया गया है, 17/11 यानी 17 नवंबर को एग्जाम होगा। और एडमिट कार्ड कब आएगा ये दोस्तों अगर आपके मन में है तो एडमिट कार्ड आएगा आपको एग्जाम से जस्ट पहले। एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, जनरल OBC चाहे अदर स्टेट के जो रहें उनके लिए 600 रुपये है, SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो 150 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार से हैं, बिहार डोमिसाइल लगाते हैं, तो 150 रुपये है उनके लिए। पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में कर सकते हैं आप दोस्तों। BPSC 70 एग्जाम नोटिफिकेशन का एज लिमिट क्या है, आपको 1 अगस्त 2024 तक 20 साल, 21 साल और 22 साल होना चाहिए पोस्ट वाइज। बहुत सारे पोस्ट हैं उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 37 मेल के लिए, 40 फीमेल के लिए, और एज रिलैक्सेशन दिया गया है उनके लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे डिटेल्स हम लोग देखेंगे पोस्ट कितना है और किस किस विभाग में ये पोस्ट है। 1957 पोस्ट है और पोस्ट का नाम जो है बिहार BPSC वेरियस पोस्ट अंडर 70th प्री 2024 1945 टोटल पोस्ट इसमें है, और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में 12 है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया के रहने चाहिए पोस्ट वाइज। फिर अगर देखेंगे पोस्ट वाइज, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं तो उसके वाइज भी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी काउंट करनी होगी किस पोस्ट, लेकिन आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए है ना। दूसरा इसमें भी आपको क्या होना चाहिए, होम साइंस का, साइकोलॉजी का, सोशल साइंस और लेबर साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। मोर एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग फिर से देखेंगे और डिटेल्स में, उससे पहले हम लोग इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे दोस्तों कि 70 नोटिफिकेशन जो है कैटेगरी वाइज कैसे है। 10,182 जो है अनरिजर्व यानी जनरल के लिए है, उसके अलावा EWS के लिए 246 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसे बोलते हैं, EBC के लिए आपने नाम सुना होगा, BC के लिए यहाँ पे 427 दिया गया है EBC के लिए, और BC के लिए 315, और BC अगर फीमेल में है तो 59 दिया गया है, सोशल शेड्यूल कास्ट के लिए 403 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 22 है। टोटल पोस्ट आपको 1957 मैंने डिस्कस कर ही दिया है, इसके अलावा हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पोस्ट का नाम देखेंगे, फिर UR के लिए कितना, EWS के लिए कितना, BC के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, BC और BC फीमेल के लिए कितना, SC के लिए कितना, ST के लिए कितना, और टोटल कितना पोस्ट। सब डिविजनल ऑफिसर के लिए सीनियर डिप्टी कलेक्टर जिसको बोलते हैं आप लोग, तो 80 जो है जनरल में आता है, 20 जो है EWS के लिए रिजर्व कोटा है, 36 EBC के लिए, 24 6 32 2 200, उसी तरह से ये देखेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP जो आप लोग बनते हो, 52 13 24 12 6 28 1 136 टोटल पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार होम गार्ड सर्विस के लिए 5 11 2 12 0 12
यानी कि ये देख सकते हो एसटी के लिए यहाँ पे नहीं है ना। जेल सुपरिटेंडेंट के लिए एक पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए EWSS में नहीं रखा गया है, EBC के लिए दो है, टोटल तीन है। फिर 65 है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स के लिए। ये डिटेल्स आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जान लो कि ये पोस्ट जो है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रोविजन, असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर बिहार एजुकेशन सर्विस, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी ब्रांच, असिस्टेंट बिहार डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट ब्रांच, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर, ये सब पोस्ट है। और टोटल पोस्ट का स्क्रीनशॉट लो, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर के बाद हम देखेंगे केन ऑफिसर सुगर केन, यानी सुगर जो चीनी मिल जो होती है उसके इंडस्ट्री के लिए। प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं जिसको, बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए। म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, रूरल डेवलपमेंट RDO जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट, लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर में पिछले सालों में हमारे कई दोस्तों का हुआ है, तो काफी अच्छा पोस्ट है ये। फिर हम लोग देखेंगे ब्लॉक SC ST वेलफेयर, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। और कैसे, सबसे पहले हम लोग ये इसको डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने पोस्ट तो देख लिया, कैसे भरेंगे दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC आर इशूड 70th इन्वाइटेड, आपको 28 से 18 मैंने बता ही दिया है। इसके वेबसाइट पर सरकारी रिजल्ट.com के वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद अच्छे से नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अपने भी पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने बता दिया है, पूरा क्लियर हो गया होगा, फिर भी चेक कर लेंगे। चेक करेंगे कि जो भी फॉर्म भरें तो उससे पहले आप अपने पास हैंड राइटिंग अपना, यानी कि सिग्नेचर वगैरह रख लें, एलिजिबिलिटी जो भी है आपको रख लें, आईडी प्रूफ रख लें, एड्रेस डिटेल्स रख लें, और जो भी बेसिक डिटेल्स उसको रख लेंगे। इसके अलावा फोटो साइन, आईडी थंब प्रूफ इसको रखेंगे। और एप्लीकेशन को भरने से पहले एक बार रीचेक जरूर करेंगे, रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फी को सबमिट करेंगे। अगर फी सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा, और उसके बाद फाइनल प्रिंट हम लोग ले लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से रहा कि 70th BPSC का जो इस बार निकला है, BPSC 70th कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन CCE CDPU रिक्रूटमेंट 2024। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर से कोई नई पोस्ट निकलती है तो उसके लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।